बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण की नई लिस्ट को किस प्रकार देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था कि किस तरह से आपको लिस्ट देखनी है, और उसमें मैंने आपको तरीका बताया था कि आप गूगल पे जाकर वहां पे हमें लिखना है PMAYG.NIC.IN। तो दोस्तों पहले हमने यहाँ से आपको देखने का तरीका बताया था, ये एक सरकारी वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कई बार बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत लोड रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल लेटेस्ट जो लिस्ट है, यानी कि बिल्कुल आज की डेट की जो लिस्ट है वो भी आप देख पाएंगे। और वो कैसे आप देख पाएंगे, देखिए। तो दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैंने आपको प्लेस अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको ये इंस्टॉल कर लेनी है। और जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का एक पेज आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा लिस्ट देखें, तो दोस्तों हमें यहीं पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, अब देखिए पेज ओपन हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखिए आप में से कुछ लोग हमें ये सवाल करते हैं कि हमने आपको पुरानी लिस्ट बता दी। तो दोस्तों देखिए नई लिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि उसमें सारे नाम ही आपको नए नजर आएंगे। दोस्तों ये एक अपडेटेड लिस्ट होती है, यानी कि इसमें पुराने नाम भी होते हैं और जो नए नाम होते हैं वो इसके अंदर ऐड करके इसको पब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं आपको इसमें आज की तारीख तक की जो भी लिस्ट है वो मैं आपको कैसे देखनी है वो मैं बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टिल डेट, टिल डेट यानी कि आज की तारीख तक। तो दोस्तों यहाँ पर आप आज की तारीख तक की जो भी लिस्ट है वो देख सकते हैं, हमें यहीं पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि 2014, 15, 16, 17, 18, जिस भी सन की आपको देखनी है आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको यहाँ सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करके रखना है, ठीक है, जहाँ पर ये टिल डेट का ऑप्शन है। फिर उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए ग्रामीण योजना, ठीक है। हमें ग्रामीण की लिस्ट देखनी है तो हमें यहाँ ग्रामीण सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑल स्टेट अपने आप लिखा हुआ है, अगर आप इसी पे लिख के यहाँ सबमिट कर देंगे तो आपको पूरे इंडिया में जितने भी राज्य में जितनी लोगों को लाभ दिया गया है यहाँ पर आपको एक समरी बता दी जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर अपने गाँव की या अपने जगह की यहाँ पर सूची देखनी है तो हमें यहाँ ऑल स्टेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ऑल स्टेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बिहार का सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो बिहार से कहते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है नाम, तो यहाँ बिहार का सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बिहार पर सेलेक्ट कर दिया है। अब देखिए आप थोड़ा बने रहिए, देखिए अब उसके बाद ये नया एक ऑप्शन खुल गया है नीचे, ये देखिए अब हमें यहाँ पर भी क्लिक करना है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ ऑप्शन खुलते जाएंगे आप वैसे वैसे यहाँ पर अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका जो भी नगर होगा या तहसील होगी वो आपको सेलेक्ट करते चले जाना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर एक के बाद एक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये एक और ऑप्शन खुल गया है, अब यहाँ पर गांव सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ठीक। और जब आप यहाँ पर सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। हम यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे आप यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जरा सा टाइम लेगा और आपको जो पूरी लिस्ट होगी आज की तारीख तक की वो आपको बता दी जाएगी कि कितने लोगों को इसमें लाभ दिया जाना है या दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए नीचे लिस्ट खुल चुकी है, लिस्ट कैसे देखनी है ये तो आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको विलेज यानी कि गाँव के नाम दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपने गाँव के नाम को ही सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने गाँव का नाम देख लेना है, और गांव का नाम देखने के बाद उसके बाद आप आगे जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखेगा, उसके बाद आपको दिखेगा नाम। तो यहां पर आपको अपने नाम सर्च करने हैं, पहले आपको गांव का नाम देखना है, उसके बाद अपने नाम को सर्च कर लेना है। यहां पर अपने नाम को देख लीजिए, उसके बाद आपको दिखेंगे फादर्स नेम, मदर नेम, वहां पर उसे आप मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और उसके बाद आप जाएंगे आगे तो वहां पर आपको दिखेगा ऑप्शन अलॉटेड का, यानी कि किसके नाम पर वो दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ पर जॉइंट हस्बैंड वाइफ लिखा हुआ है, तो जिसके भी नाम पर जिसको भी दिया गया होगा वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा लिखा हुआ। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा सेंक्शन नंबर, सेंक्शन नंबर ये बहुत ही जरूरी है और काम का नंबर होता है, इसे आप अलग से लिख के भी रख सकते हैं और ये बहुत सी जगह पर आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों जो लोग कहते हैं कि हम आपको पुरानी लिस्ट दिखा देते हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आपको ये तारीख दिख रही होगी 22 सितंबर 2018,
तो दोस्तों 22 सितंबर 2018 अभी 3-4 दिन पहले ही ये तारीख गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल करंट लिस्ट है, यानी कि लेटेस्ट लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको लिस्ट देखनी है और इसमें आपको आज की तारीख तक की जो भी लिस्ट होगी वो आपको नजर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे आपको दिखेगा सैंक्शन अमाउंट, यानी कितने रुपए आपको मिलने हैं। तो यहाँ पर सभी को 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं और उसके बाद इंस्टॉलमेंट में ये पैसे दिए जाते हैं। ये भी आपको पता ही है, 3 इंस्टॉलमेंट में या 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें आगे आपको दिख जाएगी। इस तरह से आपको लिस्ट देखनी है। तो दोस्तों जो मैंने आपको तरीका बताया इसी तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल करंट डेट की, यानी कि आज की तारीख तक की जो लिस्ट होगी वो आपको देखने को मिलेगी और बड़े ही आसानी से आप बिना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी के आज की तारीख तक की लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके कोई सवाल हो तो हमें आप पूछ भी सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लिस्ट में अपना नाम देख सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।